आज हम पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल, और पीरियोडिक टेबल एकदम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। सिंपल एटम क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, प्रोटॉन क्या होते हैं, चार्ज क्या होते हैं उन पे, और एटम में जो पीरियोडिक टेबल है उसमें स्टार्टिंग से एटम पढ़ेंगे, और एटम में न्यूक्लियस में कौन से चार्ज होते हैं, आउटसाइड पार्टिकल्स कौन से होते हैं, ये सब सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और उसके बाद हम पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल के प्रॉपर्टी, क्योंकि पीरियोडिक प्रॉपर्टी यदि पढ़ना है हमको तो एटम के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, और एटम का स्ट्रक्चर हमें मालूम होना चाहिए, क्या है ये स्ट्रक्चर होता है, ये किस सेल को क्या बोलते हैं, मतलब ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो सिंपली मैं एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ, और वो क्या है, एटम, और एटम के बारे में जानते हैं क्या होता है, ठीक है। इसमें एटम तीन ही प्रकार के, अगर हम सब एटॉमिक पार्टिकल की बात करें तो सब एटॉमिक पार्टिकल में आ जाएंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इन पे चार्जेस क्या होते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पे ऑफकोर्स आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होते हैं नेगेटिव, प्रोटॉन पे पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन पे ज़ीरो होता है, कोई चार्ज ही नहीं होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है। अगर एटम की बात करें तो एक जो अभी हम लोग जिस थ्योरी के माध्यम से हम समझते हैं कि अगर रदरफोर्ड की बात करें तो, या फिर बोर्स एटॉमिक थ्योरी की बात करें तो रदरफोर्ड ने, अगर रदरफोर्ड की ही बात करें तो रदरफोर्ड के अनुसार रदरफोर्ड ने यही बताया था कि कोई ऐसा पॉजिटिव चार्ज है जो बीच में है, इसका मतलब वो न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और न्यूक्लियस में कौन से चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और इसके चारों तरफ क्या होते हैं, सेल होते हैं, ऐसे, ठीक है, ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ सेल होते हैं, ये न्यूक्लियस हो गया। और न्यूक्लियस में होता क्या है, प्रोटॉन, न्यूक्लियस की बात यदि फिगर होना है तो प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, इसके चारों तरफ डिफरेंट इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये ऐसे दिखा दो आप, ठीक है, ऐसे, फिर ऐसे आप करते जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐसे काउंटिंग बताएंगे किस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, जब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाएंगे तो अच्छे से समझा देंगे। अभी स्टार्ट सिंपली हम मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन चारों तरफ मूव कर रहे हैं। अगर न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज ही नहीं होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो आप समझो कि नेट चार्ज क्या हुआ, न्यूक्लियस में पॉजिटिव हुआ, इसका मतलब कि पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी तो ज़्यादा है लेकिन न्यूट्रॉन भी है साथ में, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, तो नेट तो हम जितना पॉजिटिव प्रोटॉन का होगा उतना ही न्यूक्लियर का चार्ज हो जाएगा, और उतना ही चार्ज एक न्यूट्रल एटम की बात करें तो उतना ही चार्ज यानी जस्ट अपोजिट चार्ज दैट इज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द डिफरेंट सेल ऑफ द एटम, अलग अलग सेल के मतलब एटम के अलग अलग सेल में डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मूव करते हैं। अब माना जाता है कि एटम जो है, एटम डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से बना हुआ है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस चारों तरफ माना जा रहा है, ये सब सारे इमेजिनरी कंसेप्ट हैं, ये आपको ऐसे आंख से नेक डाई से नहीं दिखने वाला, सिंपली हम जैसे इमेजिन कर बनाएं कि नहीं ऐसा हो सकता है, जैसे प्लम प्लडिंग मॉडल दिया गया, रदरफोर्ड मॉडल दिया गया, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल क्यों है, क्योंकि सारे अलग अलग साइंटिस्ट आए और अपनी अपनी थीसिस और अपनी अपनी सोच को क्या किए, अपने हिसाब से बताते चले गए कि नहीं एटम ऐसा होना चाहिए, ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। तो जो अभी तक हम लोग की जो हो सकता है कि आने वाले समय में ये मॉडल फेल कर जाए, ये भी हो सकता है, तो ये ऐसा नहीं है कि एटम का जो शेप है ऐसा ही हो सकता है, लेकिन अभी तक जो हमें थ्योरी के हिसाब से दिया गया कि नहीं चलो मान लेते हैं बीच में, क्योंकि भाई एक से एक चीज़ें खोजी जा रही हैं, उसके हिसाब से देखें तो अभी अभी जो
मतलब जो सबसे बेस्ट और सूटेबल जो थ्योरेटिकल एग्जांपल है ये यही है कि मान लेते हैं कि बीच में न्यूक्लियस होना चाहिए और इसके चारों तरफ सेल डिफरेंट सेल होने चाहिए और इसके डिफरेंट सेल में डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं मूव करते हैं। तो आप सिंपली मान लो कि ये के सेल है, एल सेल है, एम सेल है, एन सेल है। अब कितने लोग बोलते हैं सर कितना तक लिखते चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। जितने नंबर ऑफ जिस एटम की बात कर रहे हो उसके हिसाब से हम सेल को डिनोट करते हैं। ये इनफिनाइट तक चला जा सकता है, बस उतना होना चाहिए, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके मतलब हैवी एटम होने चाहिए, लेकिन ये पॉसिबल होता नहीं है ऐसा, ठीक है। अभी तक के एल एम एन एन तक आने में पूरे 118 एलिमेंट इसमें सिमट जाते हैं, ठीक है। तो ये जो के सेल है, एल सेल है, एम सेल है, जो के एल एम ये इंडिकेशन दे रहे हैं वो सेल हैं। कुछ साइंटिस्ट हैं बोले कि नहीं भाई, सेल के अंदर भी कुछ ऐसी मतलब सेल के अंदर को सेल को भी डिफरेंट सेल को भी क्या किए, डिफरेंशिएट किए। जैसे कि हम जैसे कि बहुत सारे साइंटिस्ट हैं और बोले सेल के अंदर क्या होता है, सब सेल होता है। बोले कि नहीं, सेल भी किसी और चीज़ से बना हुआ है जिसका जिसको बोले क्या, सब सेल। और सब सेल के अंदर क्या होता है, ऑर्बिटल होते हैं, ऑर्बिटल होते हैं। और ऑर्बिटल के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मूव करते हैं। मूव मतलब क्या, स्पिन करते हैं, ऐसे समझ लो। बताएंगे कैसे होता है सेल। बोले तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम देख सकते हैं, के सेल हो गया, एल सेल हो गया, एम सेल हो गया, एन सेल हो गया, ठीक है। और के सेल, एल सेल, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल हो गए। सब सेल में बोले कि सब सेल मिलकर सेल बनाते हैं, और सब सेल ऑर्बिटल मिलकर सब सेल बनाते हैं। और इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं, जैसे उल्टा पढ़ो ऐसे, सेल के अंदर सब सेल होते हैं, सब सेल के अंदर ऑर्बिटल होते हैं, ऑर्बिटल के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन स्पिन करते हैं, और बताते हैं कैसे, ठीक है। सब सेल में एस सब सेल होता है, एस सब सेल, दूसरा होता है पी सब सेल, तीसरा होता है डी सब सेल, और चौथा होता है एफ सब सेल, ठीक है। सेल के अंदर सब सेल, सब सेल के अंदर ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिटल क्या होते हैं, जैसे ऑर्बिटल हम बोले कि एस सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं। तो अगर आपको एस सबसेल की बात करें, थोड़ा सा स्पेस लेते हैं ऐसे दे दो, इलेक्ट्रॉन लिख दो यहाँ पे। अगर एस सबसेल की बात करें कि एस सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, तो आप एस सबसेल लिखो यहाँ पे, और एस सबसेल के ऑर्बिटल एक होते हैं। क्या बोलोगे, कितने ऑर्बिटल होते हैं, एक होते हैं ऐसे। पी सबसेल में कितने होते हैं, पी सबसेल पूछे तो तीन होते हैं। पी एक्स, पी वाई, पी जेड। डी सबसेल में कितने होते हैं ऑर्बिटल, तो पांच होते हैं, एक दो तीन ऐसे पांच होते हैं। यानी डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर ऐसे,
ठीक है, और एफ में, एफ सबसे सबसेल क्या लिखना है, ऐसे लिख लो एफ सेल्फ सबसेल में सात होते हैं, पाँच छः और एक यहाँ सात लिख लो, ठीक है, ये होते हैं। यानी अगर हम सिंपल एक सेल की बात करते हैं, जैसे न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस से ये फर्स्ट सेल की बात करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, तो अगर हम इस सेल की बात करते हैं तो इस सेल के अंदर सबसेल होते हैं, और सबसेल में कौन कौन सबसेल हो जाएंगे, एस सबसेल, पी सबसेल, डी सबसेल, ठीक है, और एफ सबसेल। और एस सबसे, अगर एस सबसेल की बात करें कि एस सबसेल के अंदर क्या होते हैं ऑर्बिटल, तो एस सबसेल की कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल होते हैं, तो एक होते हैं। अगर पूछे तो आप सिंपल देखो, एक एक ब्रैकेट नुमा बनाए, ठीक है, इसका पूछे तो तीन, और इसका पूछे तो पाँच, और इसका पूछे तो सात, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स हैं, मतलब ऑर्बिटल्स हैं, ए सबसेल का एक ऑर्बिटल, पी का तीन, डी का पाँच, और एफ का सात। अब पूछोगे कि ए सबसेल के जो एक ऑर्बिटल लिखे हैं, इसमें कोई, जैसे पी में हम पी एक्स, पी वाई, पी जेड लिखे हुए हैं, तो एस में क्यों ऐसा नहीं लिखे, या फिर एफ में नहीं लिखे, ऐसा क्यों होता है? सबसे बेस्ट मतलब अगर आपको आंसर देना हो तो एस सबसेल में इसलिए दे देते हैं, जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे तो आपको उसमें हम दिखाएंगे कि एस सबसेल का जो शेप होता है स्फेरिकल होता है। कैसा होता है, अगर शेप की बात करें तो, शेप की बात करें तो स्फेरिकल होता है, ऐसे लिख लेना, स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल शेप होता है, दैट इज ऐसे स्फीयर नुमा समझना, ठीक है। और पी सबसेल की बात करें तो ये डंबल शेप होता है, जस्ट डंबल शेप, डम्ब बेल शेप, डम्बल यानी जो डम्बल आप यूज करते हो वैसा होता है, इस शेप का होता है। और डी की बात करें तो डबल डम्बल होता है, डबल डम्बल, ठीक है, ऐसे ऐसे डबल डम्बल होता है। और इसका क्या होता है, कम्प्लेक्स होता है, कम्प्लेक्स होता है, एस का स्फेरिकल होता है। कोई भी चीज़ यदि स्फेरिकल होगा, अगर एटम की, एटम भी स्फेयर होता है, तो एटम के जो एक्सिस होंगे हम 3D स्ट्रक्चर होंगे, जैसे एक्स एक्सिस भी होगा, वाई एक्सिस भी होगा, ऐसे जेड भी निकला हुआ होगा, अगर हम ऐसे बोले तो ऐसे होंगे, यानी जस्ट एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अगर हम किसी स्फेयर चीज़ को, यदि तीनों एक्सिस के अगर कोई भी स्फेयर है, तो इसका मतलब उसमें 3D पिक्चर बनेगा, तो वो तीनों एक्सिस के अलॉन्ग होगा, इसलिए मैं यहाँ कोई इंडिकेशन नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन पी में क्या होता है, डम्बल शेप होता है, डम्बल शेप या तो ऐसे होगा, ऐसे समझ लो, सिंपल, सॉरी, ठीक है, एक्स वाई जेड मान लो, तो इसका जो शेप होगा डम्बल शेप होता है पी का, तो या तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग हो सकता है, या फिर वाई एक्सिस के अलोंग भी हो सकता है, या जेड एक्सिस के, डिफरेंट एक्सिस के अलोंग ये मतलब हो सकते हैं। तो ये तीनों एक्सिस के अलोंग होता है, एक एक जो ऑर्बिटल होता है पी एक्सिस के अलोंग होता है, दूसरा जेड एक्सिस के, और तीसरा जो होता है वाई एक्सिस के, जैसे भी आप याद कर सकते हो। डी क्या होता है, डबल डम्बल, डबल डम्बल का मतलब होता है कि एक जो पहला जो ऑर्बिटल होगा एक्स और वाई के अलोंग होगा, दूसरा जो होगा जेड एक्सिस, अगर एक्स और वाई के अलोंग मतलब क्या हो गया कि एक्स और वाई एक प्लेन में होंगे, और जेड जो होगा परपेंडिकुलर होगा, जैसे कि आप, मैं आपको एक कॉपी दिखाने की कोशिश करूँ, जैसे ये ऐसे,
तो ये एक्स और वाई जो होंगे, जैसे डंबल की बात करें, ऐसे समझना, डबल डंबल की बात कर रहा हूँ, तो ये समझना एक्स एक्सिस है, ये समझना वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो यदि एक्स और वाई हैं तो एक्स और वाई के अलावा यदि कोई भी ऑर्बिटल होगा एक्स और वाई के अलावा, तो जेड एक्सिस इसके क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। वाई और जेड यदि एक प्लेन में होंगे, किसी एक प्लेन में होंगे, तो एक्स एक्सिस क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और जेड और एक्स एक प्लेन में होंगे तो वाई एक्सिस क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। और जेड स्क्वायर का इसको स्पेशल नाम दिया जाता है, बेबी सूटर ऑर्बिटल। ऐसे माना जाता है कि ये ऐसा ऑर्बिटल है, इस शेप में दिखता है, जैसे कि आप समझ लो ये थ्री डायमेंशनल है तो ऐसे दिखता है बेबी सूटर ऑर्बिटल। जैसे कि अब ऐसे शेप को बेबी सूटर ऑर्बिटल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसके बारे में अभी तक मालूम नहीं है, लेकिन इसको बोलते हैं कि बेबी सूटर ऑर्बिटल, जस्ट लुक लाइक ए बेबी सूटर ऑर्बिटल। बेबी सूटर ऑर्बिटल का मतलब होता है कि जैसे एक बच्चा जो जो एक इन्फेंट जो होता है, जो अब न्यू अर्ली बॉर्न बेबी होता है, जो आप जो निप्पल पिलाते हो उसी शेप में दिखता है। जैसे आप देखो ना, जैसे ये होल हो गया, मतलब कुछ ऐसा ही दिखता है, ठीक है, आप समझ लो, सिंपल एग्जांपल है, ठीक है। और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर जो होता है, जस्ट इन दोनों के बीच से, मतलब एक्स और वाई के जस्ट पैराबोलिक होता है, बात ही समझ में, तो उस शेप में होता है। तो आप ऐसे सिंपल एफ का क्यों नहीं लिखें, क्योंकि ये कम्प्लेक्स है, आज तक अभी तक इसको डिफाइन ही नहीं किया गया कि इसका शेप ऑर्बिटल का मतलब किस एक्सिस के लॉन्ग होगा, कैसे होगा, क्या होगा, इसीलिए तो कम्प्लेक्स लिखे हुए हैं वहाँ पे। तो ठीक है, तो इसका जो शेप होता है कम्प्लेक्स होता है, एफ का, डी का डबल डंबल, पी का डंबल और एस का स्फेरिकल होता है। और ये पूछते हैं कि एस पी डी एफ का मतलब ये नाम कहाँ से है। एक्चुअली ये नाम जस्ट माना जाता है कि किसी एटम को, मतलब एटम भी तो किसी जस्ट एनर्जी सोर्स से बना हुआ होगा, तो डिफरेंट टाइप ऑफ नाम, एस को नेम दे दिया जाता है सार पे स्पेक्ट्रम, पी को प्रिंसिपल स्पेक्ट्रम, डी को डिफ्यूज और एफ को फ्रेगमेंटल स्पेक्ट्रम। तो बताएंगे एटॉमिक ऑर्बिटल में ज़्यादा डिटेल में कि कैसे होता है, लेकिन अभी सिंपल ये जानो कि किसी एटम में डिफरेंट सेल होते हैं, के एल एम हम लिखे हुए हैं सिंपल एग्जांपल के तौर पे। सेल के अंदर क्या होते हैं, सब सेल होते हैं, और सब सेल के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं, जो कि क्या बोलते हैं, एस सब सेल होते हैं। एस सब सेल के अंदर क्या होते हैं, एक ऑर्बिटल होता है, पी के अंदर तीन होता है, और डी के अंदर क्या होते हैं, पाँच, और एफ के अंदर क्या होते हैं, सात होते हैं, ठीक है। इन्हीं डिफरेंट ऑर्बिटल में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, वो भी अपोजिट स्पिन को, ठीक है, वो भी अपोजिट स्पिन को हो सकते हैं। जैसे हम बोले कि ये देखो, अगर एक को क्लॉकवाइज मानते हो, अगर इसको क्लॉकवाइज मानते हो तो इसको क्या मानोगे, एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम डी की बात करें तो डी में क्या है, पांच इलेक्ट्रॉन है, यहाँ सिंपल फिल किए हुए हैं, तो दूसरा जो होगा ऐसे पेयरिंग कर दो, ठीक है। तो ये क्या होंगे, क्लॉकवाइज ऑर्बिटल डी में, तो ये मतलब क्या, ये क्लॉकवाइज, तो ये दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। जस्ट क्यों होते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर में बताएंगे, ठीक है, क्योंकि ये एक्चुअली कोई भी इलेक्ट्रॉन यदि मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, और मैग्नेटिक फील्ड क्या कहें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट करता है, मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करता है। लेकिन यदि सिंपली हम बोले तो ये क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में समझें, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, और इसी मैग्नेटिक फील्ड को अपोज, मतलब अगर एक क्रिएट कर रहा है तो एक यूनिडायरेक्शनल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, तो उसी चीज़ को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक दूसरा इलेक्ट्रॉन होता है जो कि एंटी क्लॉकवाइज होता है, और उस फील्ड को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है, ताकि एटम क्या करे, स्टेबल रहे, बात आई समझ में।
तो एटम क्या होते हैं, सेल क्या होते हैं, सब सेल क्या होते हैं, ऑर्बिटल क्या होते हैं, ये आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। ये जो ऑर्डर देख रहे हो ये एनर्जी का ऑर्डर है, जैसे कि आप किसी भी इलेक्ट्रॉन को आप कैसे फिलअप करोगे। अगर हम दे दिए कि जैसे आपको बोल दिया कि ये 4 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, कैसे फिलअप करोगे, किस सेल में फिलअप करोगे। हम ये जो नंबर दिखा रहा है 1, 2, 3 एक्चुअली ये सेल का नंबर है। जो न्यूमेरिक वर्ड जो दिख रहा है, मतलब जो न्यूमेरल के टर्म में 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3 ऐसे, ये एक्चुअली सेल है। और जो एस पी ये सब दिखा रहे हैं ये क्या है, सब सेल है, ठीक है। तो इनके हिसाब से अगर देखें तो आप जैसे बोलते हैं 10 इलेक्ट्रॉन है या 11 इलेक्ट्रॉन है, तो आप कैसे फिलअप करोगे, किस ऑर्डर में फिलअप करोगे। तो वही लिखें कि एनर्जी ऑर्डर अकॉर्डिंग टू अबाउ प्रिंसिपल, मतलब कि इस टर्म में भी समझ सकते हो कि 1s का एनर्जी ऑर्डर क्या है, 2s का एनर्जी ऑर्डर क्या है, 2p का एनर्जी ऑर्डर क्या है, 3s का एनर्जी ऑर्डर क्या है, 3p का एनर्जी ऑर्डर क्या है। मतलब ये डिफरेंट टाइप ऑफ जो सेल हैं या फिर जो सब सेल हैं, इनकी जो एनर्जी ऑर्डर क्या है, आप उसके बेसिस पर क्या कर सकते हो, आप इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हो। तो मैं बता रहा हूँ कैसे इलेक्ट्रॉन को फिल करना है और किसकी एनर्जी क्या होती है उसके हिसाब से। पहले समझते हैं अबाव का मतलब हो क्या होता है। कितने लोग यहाँ कन्फ्यूज हो जाते हैं कि अबाव किसी साइंटिस्ट का नाम है, ऐसा नहीं है मेरा। अबाव का मतलब होता है, बिल्डिंग अप का मतलब होता है कि एक के बाद एक, मतलब इन कह सकते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर, दैट इज़ इंक्रीजिंग ऑर्डर में कोई भी चीज़ हो, आप एनर्जी की बात कर रहे हो या फिर जैसे हम एक स्टेप का दूसरा स्टेप डालते हैं सीढ़ी, आप सीढ़ी पे चढ़ते हो तो क्या होता है, एक के बाद एक आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज करती जाती है। जैसे 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 आप हाइट में जाओगे भाई, हाइट में जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी हाइट के टर्म में क्या करते हैं, हाइट के टर्म में हम पोटेंशियल एनर्जी को ही दिखाते हैं, ठीक है। अगर उस बेसिस पे देखें, ठीक है, तो अबाव का मतलब क्या होता है, बिल्डिंग अप। तो यहाँ एनर्जी का मतलब है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी क्या हो सकता है। तो इसको दिखाने के लिए हम सिंपल वे में ऐसे समझ लो, हम इंडिकेशन ले रहे हैं ऐसे, आप ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे करते चले जाओ, बात आई समझ में। इसका मतलब वो ऐसे ऐसे, मतलब ये हो गया कि हम ये 1s है, ये सबसे लोएस्ट एनर्जी होती है, और 1s के बाद आता है 2s। हम इसको डॉटेड लाइन से क्यों दिखा रहे हैं, ऐसे, ठीक है, ऐसे 1s के बाद 2s, 2s के बाद क्या आता है, ऐसा नहीं 2s के बाद हम बोलते तो 3s हो जाएगा, नहीं, यहाँ जो यहाँ के बाद हम डॉटेड लाइन दिखा रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया कि 2s के बाद आप 2p पे जाओगे, जस्ट बैक, ख़त्म होने के बाद जस्ट बैक जाओगे, हर किस में वही काम करोगे आप। जैसे 3s हो गया यहाँ पे, 2s के बाद क्या होगा 2p, 2p के बाद 3s आ रहा है, डायरेक्शन क्या है 3s का, तो 3s के बाद ऐसा नहीं कि आप 3s के बाद ऐसा नहीं कि आप 4s पे आ जाओगे, नहीं, ऐसा नहीं, 3s के बाद सीधा 3p पे जाओगे, और 3p के बाद क्या जाओगे, ऐसे 4s पे, 4s के बाद तब 3d पे जाओगे, ऐसे करके, फिर इसके बाद 4p पे आओगे, फिर 5f, फिर इसके बाद बैक जाओगे, ऐसे करके आप
एनर्जी ऑर्डर को इंडिकेशन कर सकते हो, लिख सकते हो। जैसे हम लिखना होगा हमें, तो अगर लिखना होगा एनर्जी ऑर्डर के बेसिस पे, तो हम क्या लिखेंगे, वन एस इलेक्ट्रॉनिक कर। ये एक्चुअली जो अबाउपोरे प्रिंसिपल है, एनर्जी ऑर्डर पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं किसी भी एटम का। क्या लिखते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन ऑन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर के बेसिस पे हम लिख रहे हैं। तो पहला क्या है, वन एस, तो आप लिखो क्या, ब्लैक से ही लिख दो, वन एस। ठीक है, टू एस, एक्चुअली यहाँ कॉमा नहीं होनी चाहिए। जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो किसी में हम कॉमा नहीं देते हैं। टू एस, टू पी, टू एस के बाद टू पी, टू एस, टू पी के बाद थ्री एस, और थ्री एस के बाद थ्री पी, थ्री पी के बाद फोर एस। ठीक है, फोर एस के बाद थ्री डी, थ्री डी के बाद आप देखो यहाँ पे, थ्री डी के बाद फोर पी, फोर पी के बाद फाइव एस, फोर पी, और फोर पी के बाद फाइव एस। ठीक है, ऐसे आप इंडिकेट करते चले जाओगे। ठीक है, ठीक है, ऐसे हम जानते हैं कि एस सबसेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अगर एस सबसेल की बात करें तो एस सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, एक, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होने की संख्या क्या हो सकती है, दो हो सकती है, वो भी ऑपोजिट। पी की बात करें तो जो भी एस होगा, जितने भी एस ऑर्बिटल होंगे सब में क्या होंगे, मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और पी में तीन ऑर्बिटल हैं और एक ऑर्बिटल में दो होता है, तो तीन में कितने होंगे, छः होंगे, तीन एक डायरेक्शन में और तीन अलग डायरेक्शन में। ऐसे एस होगा, फिर अगर ऐसे ही एस में दो लिख दोगे, पी में मैक्सिमम छः लिखोगे, फिर फोर एस में तीन लिखोगे, डी में कितने लिखोगे, डी में आप लिखोगे, आपको मैक्सिमम पाँच लिखोगे। डी की बात करें तो मैक्सिमम ऑर्बिटल कितने होते हैं, पाँच लिखोगे। ठीक है, और पाँच लिखेंगे ऑर्बिटल तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, दस हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन की संख्या मैक्सिमम दस हो जाएगी। एफ बोले तो सात ऑर्बिटल होते हैं और उसमें क्या लिखोगे आप, सेवन। तो उसी बेसिस पे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा, तो वन एस टू, टू एस टू, टू पी टू, टू पी सिक्स, थ्री एस टू, थ्री पी सिक्स, फोर एस टू, थ्री डी टेन, फोर पी, थ्री डी टेन, फोर पी सिक्स, ऐसे फोर, फाइव एस टू। जब यदि ऐसे करते जाओगे तो जैसे ही, जैसे आप यहाँ एफ स्टार्टिंग होगा यहाँ से फोर एफ से, तो फोर एफ आएगा तो फोर एफ फोर्टीन हो जाएगा। ऐसे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या करोगे, इंडिकेट मतलब लिखते चले जाओगे। जैसे हमें बोल दिया कि, एग्जांपल के तौर पे बोल दिया कि बताइए कि सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, तो सोडियम जब भी आप लिखते हो तो एटॉमिक नंबर ऐसे लिख लोगे, नीचे वाला जो पोर्शन आप नंबर इंडिकेट करेंगे वो एटॉमिक नंबर होता है 11, और एटॉमिक मास 23 होता है। ठीक है, ऐसे तो आप एटॉमिक नंबर देखोगे। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, ठीक है, अगर एटॉमिक नंबर की बात करें तो एटॉमिक नंबर 11 दिया हुआ है, तो हमें ये न्यूट्रल एटम की यदि बात करें बीच में, यदि न्यूट्रल एटम की यदि बात करता है, हम एक्चुअली जितने भी ये प्रोसेस अभी बता रहे हैं ना, सब न्यूट्रल एटम के लिए अभी बता रहे हैं, ना तो किसी एटम पे पॉजिटिव चार्ज है ना तो निगेटिव चार्ज है, सिंपल नो चार्ज। जब किसी भी एलिमेंट पे कोई चार्ज नहीं है, उसके स्कीम में अभी उसके बारे में बता रहा हूँ। ठीक है,
उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बता रहा हूँ कि अगर यदि पूछे कि बताइए कि सोडियम का 11 है तो बताइए उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो। तो आप पहले एक चीज़ समझ जाओ कि एटॉमिक नंबर होते क्या हैं और एटॉमिक मास क्या होते हैं। तो जो मास जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास होता है उस उन दोनों का वेट मिलाते हैं तो एटॉमिक मास होता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन का जो होता है मास जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन